Hello and welcome to you all my lovely buddies. A very warm welcome and yes, after a lot of like what hard work we are here with our chapter third so i hope that you all are doing well and having fun as well but fun ko thoda sa abhi hum abhi kya kar sakte tak pe rakh sakte hai because it's the time where we are going through our best and the hardest and the uh, supremest i can use the word so that you can make your career so isi baat pe hum start karte hai hamara aaj ka chapter and the one shot i have here is of chapter number three, deep water. See, when these kind of uh, chapters come in your चैप्टर्स कम इन योर सिलेबस डीप वाटर सो वॉट यू थिंक हम क्या सोचते हैं कि ये जो डीप वाटर है मस्ट इट मस्ट बी लाइक समवेयर रिलेटेड टू ऑल डेफिनेटली एक्वेटिक थिंग्स से रिलेटेड है बट मोर ओवर दिस चैप्टर इज मोर मोटिवेशनल राइट जब तक हम कोई चीज का सामना नहीं करते हैं तब तक हमें वो चीज का डर रहता है बट वांस वी फेस इट एंड वी गेट ओवर लाइक फेस करने के बाद में भी वी गेट ओवर दैट दैट द मेन पर्पज इस चैप्टर का सो so, इस चैप्टर में डीप वाटर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डीप डीप वॉटरी थिंग्स एंड डेफिनेटली जो नरेटर हैं हमारे वो आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन देंगे आई नो इट इज द स्टेज लाइक आप लोग जिस uh, स्टेज में जिस फेज में है देयर मोटिवेशन डजेंट वर्क एक्चुअली बट या समवेयर यू ऑल्सो गो फॉर अ पर्सन जो आपकी सुने और आपको समझे और इवन आपको क्वेश्चन भी नहीं करे एंड आपको उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल दे, सो आई होप दैट दिस इज द चैप्टर विच कैन गिव यू इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन एंड यू कैन ऑल्सो ओवरकम योर फेम चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक विद आर दिंग विच इज अबाउट आर ऑथर हु इज द ऑथर विलियम ओ डागलसो जब हम विलियम ओ डागलस की बात करते हैं इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज द ऑथर एज वेल एज ही वॉज रिनोन्ड ही वॉज रिनोन्ड फॉर वाटर देखो ये जज भी रह चुके थे सो so, इन्होंने अपना जो ज्यूरिस्टिक वर्क है उसमें भी बहुत ज्यादा फेम पाया था ही वॉज रिनोन डर एज वेल सो अगर हम विलियम ओ डगलस की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट विलियम ओ सो ही वॉज बॉर्न ऑन सिक्सटी अक्टूबर एटीन नाइनटी एट एंड ही डाइड ऑन नाइनटीन जनवरी नाइनटीन एटी मोर ओवर आपके लिए विलियम ओ डगलस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेन ही वॉज बॉर्न एंड डाइड आगे की अगर हम बात करें तो ही वॉज एन अमेरिकन ज्यूरिस्ट ज्यूरिस्ट मीन्स क्या होते हैं जो ज्यूरिस्टिक्शन पास करते हैं जो जज होते हैं उनके लिए कहा जा सकता है एज वेल एज ही वॉज पॉलिटिशियन ही वॉज नॉमिनेटेड एट द एज ऑफ फोर्टी जब वो सिर्फ चालीस साल के थे तभी उनको प्रेजिडेंट फ्रेंकलिन डी रोजवेल्ट ने इन्हें क्या कर दिया था nominate kar diya tha and he was the youngest justice appointed to the court and served for the longest term in the history of the Supreme Court so what makes William o Douglas I think he, he a that what makes William o Douglas different or and unique from others because he served jurisdiction he served Supreme Court at the very young age of 40 and he was nominated by the president as well the teen char kar li, that's okay because when it comes for the RTC part so RTC have. लिखते हो तो बहुत अच्छा होगा ंग अड सो देर आर नोट कैरेक्टर्स एज यूजली मैं हमेशा जो लाती हूँ मैं क्या करती हूँ पहले आपको ऑथर के बारे में बताती हूँ टॉक अबाउट द ऑथर के बाद में कैरेक्टर्स दैट हाउ मनी कैरेक्टर्स आर देर एंड ऑल बट मोर ओवर दिस इज अटोबायोग्राफिक थिंक दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ऑटोबायोग्राफी कि उनके साथ में जो इंसिडेंट्स हुए थे लाइफ में और उन्होंने अपना ही साथ देते हुए अपने को कैसे उसमें से बाहर निकाला दैट्स मोर ओवर सो यहाँ पे जो बाकी के कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे उनको हम सिर्फ बातचीत

एंड माउंटेन्स ओके इट इज ऑटोबायोग्राफी इन्होंने खुद ने लिखी थी यह और इन्होंने अपने जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस थे उन सारे एक्सपीरियंसेस को इसके अंदर शेयर किया इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ दे ऑथर डेवलप्स द फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट तो आपको पूरा डिटेल में नहीं दो आई हैव रेड दिस बुक ओके आई मेरे मास्टर्स में थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स तो हमने तो पूरा डिटेल में पढ़ा था एंड डिटेल में लाइक इट्स समवेयर वो बोलते हैं ना कि स्लो um, सा हो जाता है बट हियर फॉर यू मैं एकदम बहुत ही जस्ट फॉर्म में ले आई हूँ वट आर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पार्ट एंड याद रखना, it's an from, of, बारे में है? आपको पता होना चाहिए and he narrates that his aversion to water started when uh, when he was 3 or 4 years old and his father took him to the beach in california so uh, keep, uh मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में कैसे इनको पानी से डर बहुत ज्यादा लगने लग गया था उन सारी चीज़ों को यहां पे शेयर किया सो फेरी फर्स्ट ही हैड हैड स्टार्टेड स्टार्टेड दो ही विद जब ये uh, दस बारह साल के थे तब से लेकिन इसके पहले इन्होंने एक चीज बताई कि जब ये सिर्फ तीन चार साल के थे इनके फादर इनको एक छोटे से स्विमिंग पूल में ले गए थे कैलिफोर्निया में uh, ही स्विमिंग पूल था और वहां इन्होंने सबसे पहले पानी के डर को uh, फेस किया था कि ये पानी से डरते हैं और उन्हें पानी से अच्छा दे आर क्वेश्चन कम्स दैट हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया डिफरेंट थिंग इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि गलत ना करो आप ओके okay? पानी के डर को क्या कहा जाता है ये मुझे बताएंगे आप हाइड्रोफोबिया इज नॉट द करेक्ट आंसर तो जब ये तीन चार साल के थे इन, इनके फादर इनको कैलिफोर्निया के किसी पूल में ले गए थे एंड जब ये वहां गए थे तो इन्होंने पहली बार देखा कि आ, इनकी सांस फूलने लग गई थी बहुत छोटे से थे और इन्हें स्विमिंग करनी भी नहीं आती थी सो द वेरी फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए ही फेस देयर देन हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है विलियम ओ डगलस रिकॉल्स अ मिसहैप ऑफ इज चाइल्ड हुड मिसहैप देखो वर्ड्स जो है ये आपके लिए ही लिखे गए हैं दीज वर्ड्स अभी मैं इसको सिंपली नॉर्मली लिख के ला सकती थी बट दीज आर गोइंग टू मेक योर आंसर वेरी गुड एंड इम्पैक्टफुल दैट्स वाई यूज दीज वर्ड्स आई जस्ट प्रेफर यूज दीज वर्ड्स रिक्वेस्ट है आपके लिए सो विलियम और डगल जो है वो बताते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में एक रिकॉल किया है देर वॉज अप वेन वेन ही वॉज ओनली टेन और इलेवन ईयर्स ओल्ड सो तब क्या हुआ था जैसे जनरली एवरीथिंग इज रिटन बट आई वुड रादर शेयर इट विद यू

ने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया सो फॉर अ अग इट वॉज गोइंग वेरी गुड बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें अच्छे से चल रही थी ही वॉज लर्निंग वेरी वेल एंड देयर वॉज एन इंसिडेंट वॉट दैट वेन ही मा ओके okay, याद रखना वाई एम सी ए कहाँ है याकिमा है एंड एज ही फील्स इट वॉज से वहां पर गए थे देर ही गोट वॉटर बैंग्स मतलब की पूरा सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ में लाइक like, जो हम पानी में उतरने से पहले सब कुछ पहन के लाइफ जैकेट वगैरह पहन के वैसे ही वो वॉटर बैंग्स होते हैं जो यहाँ पे हाथ में पहने जाते हैं वो पहन करके स्विमिंग करते थे सो इट्स सट देर एंड ही गोट इन टू दैट पूल वन डे अचानक से एक दिन माइंड भी uh, इनका एनिमी होगा किसका विलियम और डगलस का हो सकता है कि उनका एनिमी हो या कोई ऐसा बुली जो प्रैंक कर देता है उनके साथ में सो वन डे अ बुली थॉट टू पुल अ ड्रेडफुल उनके ऊपर प्रैंक कर दिया जाता है किसके ऊपर विलियम और डगलस के ऊपर सो ड्रेडफुल प्रैंक कौन करता है उनका कोई भी एक दोस्त हो सकता है नाम नहीं बताया है सो डोंट गो फॉर दैट नाउ व्हाट हैपेंस दैट उनके ऊपर प्रैंक कर दिया जाता है कैसे करते हैं मैं बताती हूँ जस्ट सी जस्ट थिंक कि ये एक स्विमिंग पूल है अब स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा आप लोग तो ज़्यादातर जाते ही हैं डेफिनेटली गर्मियाँ हमारी कहाँ होती है पानी में ही हम लोग बताते हैं सो स्विमिंग पूल में क्या होता है Student मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे थ्री फीट का होता है ओके और जो बड़े हैं उनकी फीटा ज़्यादा ज़्यादा होती है बड़ी बड़ी फीट होती है तो वो इस तरफ नाइन फीट तो इस तरीके से स्विमिंग पूल की क्या होती है एक स्लोप होती है कि एक तरफ तो छोटे बच्चे जिसकी छोटी हाइट है और वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं और दूसरी तरफ आगे

अभी जब ये नाइन फीट से ही यहाँ पे मतलब उसको पुल पुश कर दिया उस धक्का दे दिया वो नीचे गिर गए स्विमिंग पूल में चले गए नाउ इट वाज द टाइम जब उनको रियलाइज हुआ व्हाट ये पूरा डिटेल में है यहां से आपका डिटेलिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है दैट हाउ ही फेल्ट इट हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राइड टू ओवरकम हाउ मेनी टाइम्स ही टच द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल एंड देन ही फेल्ट पैरालाइज ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूं ओके सो कहां से ये यह पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मैच के थ्रू समझाने की कोशिश की थ्रू अब डायग्राम की थ्री फीट पे तो इन्होंने प्रैक्टिस की थी लेकिन बुली ने उनको नाइन फीट से ही uh, क्या कर दिया था धक्का दे दिया था द दॉ पुस्ट बाय द बुले इन द डीप एंड ऑफ द पूल एंड ही फ्राइटेंड ऑफ द फैक्ट ही ऑलमोस्ट नाइन फीट इन टू द वॉटर वो नाइन फीट नीचे और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने प्रैक्टिस थ्री फुट तक की ही की थी अब वो नाइन फीट नीचे है और अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें सांस नहीं आ रहा है एंड वो डीप डाउन डीप डाउन डीप डाउन वो नीचे जाते जा रहे हैं नीचे जाते जा रहे हैं सो वेल ही वॉज गोइंग देन वो uh, अपने आप को बचाने के लिए डेफिनेटली ही विल डू सम एक्टिविटी वो uh, कई बार ऐसे हाथ पाओ मारते हैं ऊपर आने की कोशिश करते हैं दैट वाज नॉट हेल्पफुल लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा था मतलब खुद की ही मदद नहीं कर पा रहे थे देन धीरे-धीरे धीरे-धीरे अगेन ही ट्राइड राइट बट वो नीचे की तरफ ही नीचे की तरफ जाते जा पा रहे थे सो ही स्ट्रगल टू होल्ड ऑन टू समथिंग एंड ही ट्राइड टू पिक uh, समथिंग कि कुछ आस पास में हो तो मैं उसे पकड़ लू कैच uh, कर लू होल्ड कर लू लाइक स्विमिंग पूल्स में रोप होती हैं तो उन रोप को पकड़ के ही आई कैन बी स्टेबल कम से कम मैं ऊपर तो आ जाऊंगा नीचे 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 ना जाऊं बट वट ही ट्राई टू कैप और होल्ड इट वो पानी ही होता था इट वॉज नथिंग बट द दॉटर वो हमेशा पानी ही होता था जितना वो हाथ मार के किसी चीज को पकड़ के खुद को रोकना नीचे जाने से रोकने की कोशिश करते थे उतना ही वो पानी ही उनके हाथ में आता था राइटर वॉज टेरेबली फ्राइटेड अब राइटर को क्या हो गया बहुत ज्यादा डर लगने लग गया बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था एंड नॉट ओनली फ्राइटेड एज ही वॉज गोइंग डाउन फर्स्ट टाइम डाउन गए तो उन्होंने फील किया दैट ओके ये टच हो चुका है बॉटम एंड अभी मुझे ऊपर जाना है कैसे भी ट्राई करके सो ही ट्राइड उन्होंने सोचा कि मैं एकदम जोर से जंप लूंगा दैट मीन सर्फेस पे टच करके जंप लूंगा एंड ऊपर चला जाऊंगा ही ट्राइड दैट वे एज वेल अब जब वो ऊपर जाते हैं सेकंड टाइम दो दिस इज द सेकंड टाइम सेकंड टाइम जब वेंट आप तो जब वो पानी से ऊपर जाते हैं पूल के अंदर का है इफ यू इमेजिन तो नहीं समझ में आएगा अगर आप इसको ऐसे ही ले लोगे ना तो नहीं समझ में आएगा इफ यू रियली इमेजिन या आपके साथ में ऐसा हुआ है आपने कभी किसी को देखा है देन यू कैन रियलाइज इट कि कितनी मशक्कत होती है पानी में अपनी जान को बचाने के लिए राइट सो दिस ऑल है और वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं ऊपर आने की जब कोशिश करते हैं तो नेक वाला पार्ट यहां तक नहीं आ पाते हैं उनका सिर्फ नोज पार्ट ऊपर जा पाता है आइज एंड नोज पार्ट ऊपर जा पाता है बट ये स्लाइट एरिया जो है जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे लिप्स वाला पार्ट और ये ऊपर जाके सांस लेने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाते एंड ऑल ऑफ अ सडन देन ही स्टार्टेड कमिंग डाउन अगेन क्या होता है कि उनको फील होता है कि मेरे पा, जो पाँव हैं वो अब नम हो चुके हैं पैरालाइज हो चुके हैं देर इज नो एक्टिविटी इन माई फीट और सब सब कुछ लाइक like, ऐसा नहीं होता है सब कुछ धुंधलाए धुंधलाए तो नहीं कहूँगी बट इट वुड लाइक इट वॉज लाइक कि अभी उनको फील नहीं हो रही है उनकी बॉडी नम्बनस आने लग गई थी ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड बट कुछ uh, हाथ में नहीं आ रहा था उनके ओके okay, देन अगेन आई आई वुड टेल यू अबाउट दैट फिर देन वो नीचे जाते हैं ना जब वाई एम सी ए वाले पूल के अंदर फिर से थर्ड टाइम ही वॉज देर थर्ड टाइम ही थर्ड की गहरी सांस लेता हूँ इन डीप वाटर वैन ही मैं गहरी सांस लेता हूँ उस सांस लेने के चक्कर में वो पानी को भी अंदर ले लेते हैं एंड ही सोलोड सम वॉटर उस वजह से भी उनको बहुत दिक्कत होती है एंड ही फेस्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एज वेल ओके ही ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग लाइक रो बट ये भी नहीं हुआ था देन ही ट्राई टू शाउट अब वो शाउट करने के लिए कुछ कर रहे लेकिन उनके मुंह से आवाज ना निकले वाई बिकॉज वो पानी के अंदर है पानी के अंदर है पानी के अंदर, अंदर चिल्लाएंगे पानी अंदर चला जाएगा एंड लाइक like. और इवन ही ट्राई टू टेक अ डीप ब्रेथ खुद को थोड़ा सा कंट्रोल uh, करने की कोशिश की थी कि कैसे भी करके पानी में से बाहर निकल जाऊं बट इट वाज नॉट पॉसिबल व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि उन्होंने पानी स्वलो कर लिया था और जब पानी एक बार अंदर चला जाता है यू नो दैट उसके बाद में पानी पानी जो है वो बॉडी के अंदर भरना शुरू हो जाता है ही वेंट डाउन अगेन हिज लंग्स एक्ड अब ये स्टेज हो चुकी थी जब उनके uh, जो लंग्स हैं वो दुखने लग गए थे उनकी बॉडी उनका साथ देना छोड़ चुकी थी तो हिस बॉडी वॉज नॉट इन फेवर आई कैन से हिज बॉडी वॉज नॉट इन फेवर विद हिम एंड लंग्स ऑल्सो वॉज स्टार्टेड एक्टिंग चलो

मतलब बोलते ना मौत को जस्ट पास में से देखा था ही कैन सी एंड हैड गिवन द होप कि नहीं हो सकता कुछ आशा छोड़ दी थी उन्होंने कि मैं अब नहीं जिंदा रह सकता हूं अब मेरी डेथ जो है वो पानी की वजह से ही होगी देन ही वेंट डाउन अगेन द थर्ड टाइम बता दिया मैंने ऑल एफर्ट्स एंड वाज मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल डेथ

नेक्स्ट टाइम वेन आई ओपन माई आईज तब मेरे आसपास में बहुत सारे लोग थे और मैं वॉमिट कर रहा था जब वो कॉन्शियस हुए सो ही केम कॉन्शियस ही जब उन्होंने उस वक्त गिवअप कर दिया पत, उनको शायद किसी लोगों ने बचराया होगा मे बी समी हैम और उन्होंने बाहर निकाला उसे एंड देन ही वॉज देर एंड डेट की मेरे आस पास में बहुत सारे लड़के थे एंड आई वॉज वॉमिटिंग क्योंकि पानी अंदर चला जाता है तो इस तरीके की uh, चीजें होती हैं द टेर ही हैड एक्सपीरियंस इन दूल नेवर लेफ्ट अब जो ये चीज हो गई जिसके साथ में कि उसने पानी अब उसको पानी से कितना डर लग गया वो पानी पीते हुए भी डरेगा है ना वो पर्सन पानी पीते हुए भी डरेगा कि ये पानी वही है देखो हमारे साथ में भी सिमिलरली दिस हैपन्स डेट एक बारी कोई चीज से अगर जैसे बच्चों को किसी को आग से डर लग जाता है या मैं बताती हूँ हम बच्चों में ना छोटे बच्चों में ये डर क्रिएट करते हैं खुद डर क्रिएट करते हैं फरी फरी सी जो चीजें होती हैं उनको दिखा करके डर क्रिएट किया जाता है कि देखो तुमने ऐसा काम नहीं किया तो ये चीज इस तरीके से हो जाएगी या ये बाबा आया बाबा आया लाइक दैट सो हम खुद उनको भूत से अंधेरे से डराते हैं एंड देन जब वो बड़े होते हैं उसका सामना नहीं कर पाते या तो वो समझ जाते हैं कि देर इज नथिंग लाइक दैट आजकल के बच्चे तो बहुत चालाक हो गए या फिर वो खुद उसको क्या कर लेते हैं उसको ओवरकम करते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो आई वुड ओवरकम लाइक दैट तो यहां पे बट ये इस स्टेज पे कितने बारह साल का दस से बारह साल का बच्चा जो है वो इस इतना जल्दी ओवरकम नहीं कर सकता अब उन्होंने जितनी सारी पा, पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज थी जितनी सारी वाटर एक्टिविटीज थी एक्सरसाइजेस थी एनीथिंग को करिकुलर एक्टिविटीज ही थॉट दैट आई वोट डू एनी टाइम इन माई लाइफ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा अपनी लाइफ में क्योंकि इन्होंने देखो पानी के अंदर थ्री टाइम्स ही ट्राई टू सेव हिज लाइफ एंड देन ही गेव अप राइट सो अब ही नेवर लेफ्ट हिम उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं ही हॉन्टेड हिम फॉर इयर्स दैट सॉरी इट इट हॉन्टेड हिम फॉर इयर्स उस इस जो हादसे ने उन्हें बहुत सालों तक डरा के रखा इट हॉन्टेड हिम फॉर इयर्स ये हादसा जो है उसको काफी सालों तक डरा के रखा विलियम ओ डगलस को एंड इट्स पॉल्ट मेनी ऑफ इज एक्सपीडिशन एक्सपीडिशन मीन एडवेंचरस थिंग्स बहुत सारे एडवेंचरस होते हैं ये देखो ये तो ही ऐसा होता है ये जो फेज होता है तब जब आप दोस्तों के साथ में एडवेंचर्स पे जाते हो प्लान टू गो आउट तो वहां पे इन्होंने सारी चीजें लाइक गिव अप कर दी कि नो आई वोट डू कैनोइंग आई डोंट डू स्विमिंग आई डोंट गो फॉर फिशिंग इवन फिशिंग के लिए भी नहीं जाते थे फिश पकड़ने के लिए सोचो पानी से ही कितना डर हो गया इनको देन वन अक्टूबर लाइक आफ्टर मेनी ईयर्स एक अक्टूबर इन्होंने डिसाइड किया दैट अभी मुझे इस फेयर को तो ओवरकम करना पड़ेगा मैं कब तक कितने साल तक मैं नहीं पानी के पास में रहूंगा सो ही थाट ऑफ एंड ही डिसाइडेड दैट टिल नाउ अभी तक इनको एक्चुअली सही स्टेप बाई स्टेप में लेसन्स नहीं दिए गए थे दैट मीन्स दैट ही वॉज नॉट गिवन द प्रॉपर ट्रेनिंग सो वाई नॉट ही अडोप्ट और ही गो फॉर द थिंग जहाँ पर उन्हें पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप अच्छे से दैट वट आई कैन से ट्रेनिंग दिया जाए उनको और अच्छे से ट्रेन करके फिर उन्हें स्विमिंग सिखाई जाए सो दैट आइडिया ही हैड इन हिज माइंड एंड देन वट ही डिड द ऑथर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग प्रॉपरली हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर ओके सो

लवली पिक्चर आई थॉट दैट आई मस्ट शो यू तो इसलिए मैं ले आई यहाँ पे देन ही ट्राई टू स्वेम अलोन मैंने बताया दैट ही कुड ओवरकम हिज फियर बट ही वॉज स्टिल नॉट कम्पलेसेंट कम्पलेसेंट का मतलब अभी तक वो पूरी तरीके से अपने उसम्म जज्बे में दैट फीलिंग कि अभी मैं ओवरकम कर चुका हूं वो नहीं हुआ सो ही वेंट टू लेक अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ही वेंट टू लेक वेंट वॉट इन न्यू हेमोस्फियर एंड देयर ही डाइव्ड ऑफ एंड स्वैम टू माइल्स अलॉन्ग विद क्राउल एंड देन ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड एंड बैट

stroke as well and crawling. When he put his face under water, he could see the bottom and he finally said that he has overcome his fear. अब उन्होंने वो छोटा सा swimming में तो बहुत instructor के साथ में तो बहुत कुछ कर लिया था Then he realized कि अभी ये swimming pool में instructor के साथ में मैंने कर लिया लेकिन क्या अभी भी मैं overcome कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ इस fear से इस डर से मैं ऊपर आ पाया हूँ या नहीं इसको ध्यान इसको पता करने के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ जा के dive किया और जब इन्होंने dive किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर अपना swimming करके

आ, जो रिमेनिंग्स होती है उसे कहा जाता है रिमेनिंग्स को कह सकते हैं वेस्टिजेस रिमेनिंग्स मतलब जो अवशेष होते हैं जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वेस्टिजेस कहा जाता है सो एट लास्ट ही डिसाइडेड कि क्यों ना मैं अपना एक टेस्ट लूँ खुद का टेस्ट लूँ कि मेरे को ओवरकम कर लिया है मैंने फियर से या नहीं देन डगलस कहाँ जाते हैं टू द टाइटन टू कनाड मिडोज अप द कनाड क्रीक ट्रेल टू

Confidently as well as intensely. Okay, so I hope this is clear. This is one shot uh, from my side to you about deep water. Majorly, the uh, time up have to and the experiences he had was when 12. टेन टू इलेवन ईयर्स वाले जो एरा वाली बात इन्होंने डिस्कस किए मेजरली वो ही आपको याद रखनी है कि उन्होंने कैसे ओवरकम किया था हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राइड ऑफ एंड वट वर द थिंग्स ही फेस्ड देयर देन उन्होंने उसके बाद में इंस्ट्रक्टर के बाद में कहा जाके प्रैक्टिस की थी एंड ही टेस्टेड हिमसेल्फ वो वाला पार्ट याद रखना है बाकी तो सारी चीजें बड़ी सिंपल है ओके सो आई टेल यू इवन दैट कि क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना हेअर राइट योर आंसर इन अ गुड वे आपके आंसर्स आपको अच्छे लिखने हैं तो आपके आंसर्स में मीनिंग्स में इन एनी वे दीज कैन बी आस्ड सो ट्रेचरस का मतलब क्या होता है डेंजरस सब ड्यू मतलब ओवरकम करना उन थ्री हिमडाउन कौन एक बुली था उसने उन्हें नॉक डाउन कर दिया था दैट मीन थ्री हिम डाउन थ्रोड फेल्ड पेन इन अज ऑफ बीट मतलब आप हार्ट बीट के थ्रू जब अः डर को देखते हो फील करते हो तब उसे क्या कहते हैं बोलते ना ही इज अ हार्ट थ्रोब मैन सो वट इज हार्ट थ्रोब मैन मतलब कि जिसको देख के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं तो थ्रोब यही वो वर्ड है एक्चुअली वेस्टिजेस या रिमेनिंग्स हम कह सकते हैं ऑफ लाइफ टेल वे ये बहुत अच्छी बात है लाइफ केम टू एन एंड जब किसी की डेथ के बारे में बोलना होता है इंग्लिश इज अ लाइक लैंग्वेज वो कहता है कि आप डायरेक्टली ऐसा मत बोलो कि किसी की डेथ हो चुकी है या कोई एक्सपायर हो चुका है देर आर सर्टेन अदर वेज एज वेल टू टेल देम सो हम क्या कह सकते हैं द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मतलब की पर्दे घिर चुके हैं दैट मीन इट वॉज द एंड ऑफ दियर लाइफ जर्नी सो कर्टन ऑफ लाइफ फेल का इडियोमेटिक फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है एनी वेट कैन बी आस्ट सो यू जस्ट लर्न इट ओके आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट विद मी एज वेल एंड नाउ आई हैव सम क्वेश्चन यू नो वेरी वेल दैट मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूं और आप उनको आंसर करते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर दैट इफ यू हैवन शेयर दिसशन टिल नाउ यू हैव टू डू दैट लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे से अपने भी जो डर है उसको ओवरकम करें। इफ़ यू ऑल्सो हैव सम फियर एंड ऑल डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इफ आई गॉट टू नो कि कुछ मेरे पास में है कि इन दिस वे द आई कैन इवन डू गाइडेंस पार्ट Okay, so three, two, and one here. Very first question comes here. Kya hai question? The introduction to the YMCA swimming pool rev revived for Douglas. What it revived for? A. Childhood fear of water. Memories of a holiday at the beach. C. Memories of father and son comp uh, companionship. Or a, D, a terrible accident. Very easy question can be that YMCA swimming pool was.

फिर भी डगल क्या कर सकता था उस पर विश्वास कर सकता था रिलाय कर सकता था कि यहाँ पे तो मैं बच जाऊंगा वहां पे याकिमा रिवर में इतना डीप 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 है और जहां पे केसेस भी इतने ज्यादा आते हैं ड्राउनिंग में और ये भी नहीं पता कर सकते कितना ज्यादा डीप है तो मैं नहीं बच पाऊंगा यहाँ सर्फेस है आई नो दैट यहाँ पे थ्री फीट है और डीपर एंड कितना है नाइन फीट है दैट्स वाई ही ऑप्टेड टू गो फॉर वाई एम स्विमिंग पूल नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज डगल डिटर्मिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वॉटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये क्वेश्चन जरूर से करके जाना क्वेश्चन कैन बी आस्क एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस इन इट कैन बी आस्क फॉर यू एज वेल आपसे ये क्वेश्चन लाइन दे दिया आपको दैट डगल गॉट ओवरकम ओवर हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ इट हेल्प यू क्वेश्चन आ गया हाउ इट हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर और हैव यू ऑल्सो ओवरकम योर फियर टेल अस अबाउट समथिंग तो आपके व्यूज जब पूछे जाते हैं तब आपके आंसर्स बनाने की प्रैक्टिस का यूजफुलनेस दिखाई देती है हाउ मच यू वॉज अवेयर एंड अटेंटिव एंड इंटेंसिवली सीन दिस क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो द मिस एडवेंचर ऑफ हैविंग अ नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस लेफ्ट अ डी मार्क ऑन डगलेस माइंड द फोबिया ऑफ वॉटर ओके दैट वॉज एक्वाफोबिया बता देती हूं मैं मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था इन द स्टार्टिंग एक्वाफोबिया हाइड्रोफोबिया तो तब होता है जब आपको कोई डॉग बाइट कर जाता है उसके बाद में वो वाला होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है एक्वाफोबिया जो पानी और एक्वेटिक चीजों से आपको डर लगता है उसके लिए ओके सो या द फोबिया ऑफ वाटर ऑल हिज जॉयज ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग